हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू मॉक टेस्ट थर्टीन दैट इज फुल मॉक टेस्ट इन विच वी इंक्लूड वन फिफ्टी क्वेश्चन फिफ्टी फिफ्टी क्वेश्चन फ्रॉम ईच थ्री सब्जेक्ट्स फर्स्ट फिफ्टी क्वेश्चन आपके जी के से रहेंगे एंड सेकेंड फिफ्टी फ्रॉम इंग्लिश एंड देन लास्ट फिफ्टी फ्रॉम साइंस ओके एंड दिस आई एम गोइंग टू प्रोवाइड ऑन द ओकेजन ऑफ फर्स्ट ईयर कंप्लीशन ऑफ एम एन एस प्रैप चैनल ओके सो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया डॉट एडमिनिस्टर विच ऑफ दौन है सुशील चंद्रा जो कि ट्वेंटी फोर्थ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है ना जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वो पंचायत राज इलेक्शन नहीं कंडक्ट करा so, कराते सो so, मिशन रफ्तार इज एसोसिएटेड विद रेल ट्रांसपोर्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दिस मिशन इज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड वेयर डू भागीरथी एंड अलकनंदा ज्वाइन गंगा गंगा को भागीरथी और अलकनंदा जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उसे हम बोलते हैं देवप्रयाग प्रयाग सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक प्रिंट द करेंसी नोट्स इन इंडिया करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विच ब्रिज कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ इन असम टू पासीघाट इन अरुणाचल प्रदेश सो so, डिब्रूगढ़ टू पासीघाट ये है इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज दैट इज बोगी बिल ब्रिज बोगी फॉर द फॉर द ट्रेन जो ट्रेन के कोचेज है दैट इज बोगी एंड बिल फॉर द रोड जो रोड है तो बोगी बिल ब्रिज है जिसमें दोनों रोड और रेल चलेगी सॉरी व्हीकल्स एंड रेल चलेगी सो so, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स अ बुक कॉल्ड बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट डॉट मी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नाउ स्पोर्ट्स पर्सन की जो बायोग्राफीज़ है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए यू कैन चेक इट ऑन आवर चैनल प्ले लिस्ट और रिसेंट वीडियोज़ सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी सुरेश रैना सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है बिलीव वॉट क्रिकेट लाइफ एंड क्रिकेट डॉट मी क्वेश्चन नंबर सेवन एट विच प्लेस वॉज द सेफ्रॉन मिशन इनिशिएटेड इन टू थाउजेंड टेन सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेफ्रॉन मिशन वॉज इनिशिएटेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एट्थ क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज देविका रानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर और जो रिसेंट में दादा साहब फालके अवार्ड है वो सुपरस्टार रजनीकांत को मिला है क्वेश्चन नंबर नाइन हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन डेबिट कार्ड सो दिस इज डेबिट कार्ड और डेबिट कार्ड का पूरा एकदम अच्छे से देख लो यहाँ पर डेबिट कार्ड में यहाँ कार्ड नंबर होते हैं इसको आप गिनोगे तो ये कितने हैं सोलह हैं ठीक है, है और यहाँ बैंक का नाम रहता है कार्ड होल्डर का नेम एक्सपायरी डेट इधर पर ठीक है यहाँ पर पेमेंट मैथड लोगो सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सिक्सटीन डिजिट रहते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पर्सनालिटी सुंदरलाल बहुगुना पास डबी रिसेंटली ही वाज अ वेटरन तो ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे इसका करेक्ट आंसर है इन्वायरमेंटलिस्ट से क्योंकि आपको सबको पता है जो चिपको मूवमेंट है वो स्टार्टेड किया था बाई सुंदरलाल पहुगुना नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन इन विच स्टेट इज द सिमलीपल टाइगर रिजर्व लोकेटेड नाउ डोंट कंफ्यूज बिटवीन सिमलीपल सतकोशिया एंड सरिस्का तीनों ऐसे हैं और कन्फ्यूजिंग है सो सिमलीपल एंड सतकोशिया सतकोशिया सिमलीपल एंड सतकोशिया ये दोनों हैं उड़ीसा में एंड सरिस्का इज इन राजस्थान सरिस्का इज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हु क्राउंड एज दिक्सटी नाइन्थ मिस यूनिवर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी सो मिस यूनिवर्स 2020 के लिए किसे नॉमिनेट किसे कौन विनर है सॉरी सो so इसका करेक्ट आंसर है एंड्री मेजा सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड्री मेजा ओके नाउ जो लॉन्गेस्ट टर्म एज अ मिस वर्ल्ड जिन्होंने बिताया है उनका नाम है टॉनी एन सिंह जो कि 2019 की मिस वर्ल्ड रही हैं ठीक है थीके? जो टॉनी एन सिंह है वो 2019 की मिस मिस वर्ल्ड रही हैं लेकिन 2020 में कोई इलेक्शन सॉरी मिस वर्ल्ड का कोई कंटेस्ट नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ दिस कोविड 19 तो इनको जो 2021 में अब ये अपना जो क्राउन है वो किसी दूसरे अपकमिंग मिस वर्ल्ड को देंगी ठीक है तो इनका जो जो पूरा इन्होंने एज अ मिस वर्ल्ड के जो पद पर रही हैं तो वो दो साल के लिए रही हैं सो शी इज द ओनली मिस वर्ल्ड जिन्होंने दो साल के लिए मिस वर्ल्ड का टाइटल होल्ड किया है अब जो 2020 का जो मिस वर्ल्ड है वो 2021 में होगा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन हु वॉज कन्फर्ड द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस एट द नेशनल फिल्म अवार्ड ऑन मार्च ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड किसे मिला है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कंगना रनौत फॉर मनी कर्णिका क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फर्स्ट कंट्री टू अपॉइंट लोकपाल और इक्वल टू लॉजिकल इज तो पहली कंट्री जिन्होंने लोकपाल और अम्बुस्टमेंट अम्बर्टमेंट जिसे हम बोलते हैं सो इसका करेक्ट आंसर है स्वीडन स्वीडन इज द फर्स्ट कंट्री टू अपॉइंट लोकपाल नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मॉन्ट्रियल कैनेडा क्वेश्चन नंबर रिवर पासिस थ्रू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सी रिवर है वो जो सबसे ज्यादा कंट्रीज को पास करती है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी डेन्यूब क्वेश्चन नंबर सेवनटीन हु रॉट द फेमस पोयम सरफोरो की तमन्ना करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बिस्मिल अजीम सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एटीन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी कप इज एसोसिएटेड विद द ब्रिज सो ब्रिज जो है वो एक कार्ड्स गेम है तो आपने देखा होगा कार्ड्स को ऐसे सेपरेट करके खोल के रखते हैं सो तो खोल के आपने मैंने आपको याद भी कराया था ट्रिक से कि खोल के मतलब सेपरेट करके सो so, खोल के इज रिलेटेड टू होल कर सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हैड्स पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस तो पीएमओ का जो हेड है दैट इज प्रिंसिपल सेक्रेटरी सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वॉट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे ट्वेंटी ट्वेंटी वन वेरी इंपॉर्टेंट सो थीम फॉर दिस ईयर इज चूज टू चैलेंज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर चूज टू चैलेंज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया इंपॉर्टेंट है ये जो ट्राइब है वो बेसिकली यूपी एंड मध्य प्रदेश में प्रोमिनेंट है सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर गोंड ट्राइब इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू नेशनल गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बर्थडे ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी दैट इज ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर नेशनल गुड गवर्नेंस डे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इन विच कंट्री विल बी द नाइनटीन एशियन गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विल बी हेल्ड करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हॉन्गजो चाइना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर चाइना के होंगजो में होंगे 2019 uh, 2022 के एशियन गेम्स 2018 के इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में हुए थे क्वेश्चन नंबर 24 फोर हु सेट द इंडिया सोल लिव्स इन विलेज वेरी इंपॉर्टेंट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज महात्मा गांधी गाइज मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा एंड बोरिंग भी लगेगा देखने में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच इज द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन रेटेड स्टेडियम इंडिया का पहला ग्रीन रेटेड स्टेडियम करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मोटेरा स्टेडियम या फिर इसका नाम जो चेंज करके बदल के रखा गया है नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम सॉरी नरेंद्र मोदी स्टेडियम सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर मोटेरा स्टेडियम इट इज इन गुजरात क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द डैश कमीशन वॉज सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द जलियावाला बाग मिसे जो कि नाइनटीन नाइनटीन में हुआ था करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हंटर कमीशन और ये एम एन में पूछा गया इसलिए है इसलिए इंपॉर्टेंट है एमएनएस 2020 का ये क्वेश्चन है ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद वर्ल्ड फूड प्राइस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी डॉक्टर शकुंतला हर सिंह थलसेट थे सो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलसिस्ट सॉरी थिल्सटेट इनको मिला है वर्ल्ड फूड प्राइस 2021 नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28 एट हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कुतुबुद्दीन एवक जो कि गुलाम वंश से है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट इज अट्रल एयर एक्सरसाइज जो कि एयर फोर्स एक्सरसाइज है बिटवीन द एयरफोर्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी हुन अवॉर्डेड फॉर द नोवल पीस प्राइज इन ट्वेंटी ट्वेंटी सो नोवल पीस प्राइज दो हजार बीस के लिए किसे मिला है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है दो हजार बीस का नोवल पीस प्राइज नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाउ नोबल पीस प्राइज बाकी जो फील्ड्स uh, में दिए जाते हैं उनके जो विनर्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड टू करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी कॉटन एंड गोल्डन फाइबर इज जूट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द रिसेंटली लॉन्च इनिशिएटिव आहार क्रांति मिशन हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री आहार क्रांति मिशन टू स्प्रेड द अवेयरनेस रिलेटेड टू न्यूट्रिशन सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री वॉट इज द कैपिटल ऑफ आर्मेनिया सो द कैपिटल ऑफ आर्मेनिया इज यरावन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एंड इसकी जो करेंसी है दैट इज ड्राम आर्मेनिया की जो करेंसी है दैट इज ड्राम एंड करेंस कैपिटल इज यरावन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर हु वॉज द फर्स्ट वुमेन आई ए एस ऑफिसर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो पहली आई ए एस ऑफिसर है वो है अन्ना राजम मल्होत्रा बट यहाँ पर पूछा है इंडिपेंडेंट इंडिया की कौन सी पहली वुमेन आई एस ऑफिसर है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ईशा बसंत जोशी सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगर पूछा जाए इंडिपेंडेंट इंडिया की कौन है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडॉप्टेड फ्रॉम जो सिंगल सिटीजनशिप की जो कंसेप्ट है वो हमने किस कंट्री से लिया है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ब्रिटेन ऑप्शन बी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ब्रिटेन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स एट विच एज गौतम बुद्धा गॉट निर्वाहन ज्ञान की प्राप्ति किस एज पर हुई थी गौतम बुधा को करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्टी फाइव एट द एज ऑफ थर्टी फाइव नाव पॉलिटी और जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं और जोग्राफी के इवन क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि हम एस को हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट और इवन टॉपिक वाइज करें तो वो नहीं करना है जो भी मैंने प्रीवियस आपको वन से लेकर ट्वेल्थ तक क्वेश्चन प्रोवाइड किए जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने उसमें प्रोवाइड किया आपको एस के उसी टाइप के करने हैं और इंडिविजुअल नहीं करना है फिर वो बहुत लेंदी हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन इन विच ईयर इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक फर्स्ट गोल्ड किस साल इंडिया ने अपना पहला ओलंपिक और वो भी गोल्ड जीता था ओलंपिक गोल्ड मेडल सो ये हॉकी में जीता था इन 1928 ट्वेंटी एट सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जिसपे गोल्ड फिल्म बनी है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन थर्टी एट सॉरी मेगा लिटरली मीन्स मेगा का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज अज स्टोन सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर अटोन नेक्स्ट इज क्वेश्चन थर्टी नाइन द फॉलोइंग टीम्स इज द विनर ऑफ द सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो इनमें से किस स्टेट ने सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी जीती है दो हजार इक्कीस की करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज तमिलनाडु ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर पी डी एफ विल बी प्रोवाइडेड ऑन टेलीग्राम ओके Next is question number 40. Which of the country has the largest postal network in the world? And the PDF hai, aapko Sunday. Tak mil jayegi, hai? Which country has the largest postal network? Correct answer for this question is India again. Option C is the correct answer. India has the largest postal, postal network. Next is question number 41 Which country will become the world's most populated country by the 2027 as per the UN report? यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी होगी है ना करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अगेन इंडिया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पौंडीचेरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो पाण्डीचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उसके जो न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एन रंगा स्वामी इससे पहले थे तिमलेसाई सुंदराजन question number 43 who was the founder of modern nursing very important question modern nursing is jo founder hai that is florence nightingale so option d is the correct answer question number 44 according to the environmentalist sorry environmental risk outlook 2021 released by the Versec maplecroft which is the safest city in the world so iske according world ki sabse safest city kaun एंटी एशियन हेट क्राइम्स एम्ड द कोविड नाइनटीन पैंडमिक क्योंकि जो कोविड नाइन्टीन है चाइना से ऑरिजिनेट हुआ था तो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में इसके चाइना के खिलाफ जो हेट पैदा हुआ था ठीक है जैसे चाइना वायरस बोल के ऐसा ऐसा इंडिकेट किया गया था कि चाइना ने फैलाया है तो इसके अगेंस्ट जो बिल निकाला है दैट इज़ यू बल्कि ये एक आयरन है कि यू ने पहले ऐसा बोला चाइना वायरस के नाम से उसको हेट फैलाया फिर खुद ही ने इसके लिए इसके अगेंस्ट बिल बनाया है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द स्पेस सिटी ऑफ इंडिया नाउ दिस इज़ वेरी कॉमन एंड ईजी सॉर्क्यूट या निकनेम का है सो so इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ये आई नो मुझे कंट्रीज और सिटीज इवन इंडियन सिटीज़ का जो सॉबिक्यूड्स या निक नेम है उस पर वीडियो प्रोवाइड करनी है ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान वाटर साइकिल इज अवेलेबल करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डोंट गेट कन्फ्यूज करेक्ट आंसर इज का अर्थ अर्थ पे ही वाटर साइकिल अवेलेबल है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन हैज़ ऑल्सो बीन अपॉइंटेड एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्टिंग चेयरपर्सन किसे नॉमिनेट किया गया है फॉर द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पी सी पंथ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका वॉज आर सेपरेटेड बाई सो जो एशियन कॉन्टिनेंट है और जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है कॉन्टिनेंट है वो किस स्ट्रेट से आ, सेपरेट होते हैं करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बैरिंग स्ट्रेट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन द रन उत्सव इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सो रन ऑफ कच ये कहाँ पर है गुजरात में सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नेम द इंडियन कॉरियोग्राफर हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वन द टेंथ एनुअल वर्ल्ड कॉरियोग्राफी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी वन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सुरेश मुकुंद ये पहली इंडियन है जिन्होंने वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड जीता है नाउ इंग्लिश क्वेश्चन चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड एंड क्लॉज एंड फिल इन द ब्लैंक्स सो यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन इज इन द इंटरव्यू शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन विद डैश सो द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस इज कॉन्फिडेंस सो इन द इंटरव्यू शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन विद कॉन्फिडेंस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू नाउ मेन्यू ऑफ यू आस्किंग अबाउट हाउ टू सोल्व दिस वर्ड एंड क्लॉज ठीक है तो इसके लिए जो बेस्ट तरीका है आप या तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो प्रीवियस ईयर क्योंकि ये जो आपको जो वर्ड एंड क्लॉज है उसकी एक्सरसाइज एक पर्टिकुलर जगह नहीं मिलेगी या आपको ढूंढना पड़ेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा कहीं मिक्स फॉर्म में मिलेगा प्रिपोजिशन आर्टिकल्स और कंजक्शन के साथ में ओके सो यू हैव टू फाइंड दिस वैसे ये बहुत मतलब सिंपल है सेंटेंस को पढ़ के समझ में आ जाएगा कि इसमें पर फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा पहले से नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी टू विद इन टू ईयर्स आई विल हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड कैट डैश सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वॉट इज कैट इज एन एग्जामिनेशन सो विद इन टू ईयर्स आई विल हैव सक्सेसफुली क्लियर कैट एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री फिशिंग इजेंट डैश फन डैश माउंटेनियरिंग सो इसमें जो एप्रोप्रिएट है आप खुद ही देख लो फिशिंग इजेंट ना इधर फन नॉर माउंटेनियरिंग तो ये तो गलत ही हो जाएगा ये वाला सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए फिशिंग इजेंट एज फन एज माउंटेनियरिंग तो आइदर और भी आप देखोगे जब इसको यूज करके ये भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनता Question number 54. In our country, a very small section of, of the youth receives any kind of dash training. So in our country, a very small section of youth receives any kind of vocational training. Next is question number 55. HIMADAS, the, the ringing world junior sprinter who dashed the national record, won the gold in the Federation Cup. So Himadas the ringing world junior sprinter who holds holds the world record and i said holds the world record now choose the correct verbs next few, five questions from verbs so question number 56 neither teacher nor the boys dash in a mood to play सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव टू कमेंट मी दिस क्वेश्चन कमेंट बॉक्स बिकॉज यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि नाइदर नर के साथ कैसे हमको वर्ब यूज करनी है इन द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ओके सो यू हैव टू आंसर मी दिस क्वेश्चन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन इंडिया हैज स्टिट फास्टली मेंटेन इट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डैस इंडिपेंडेंस सो इंडिया इंडिया ने बहुत जल्दी मेंटेन कर ली थी अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट एज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट देखो हमें इस सेंस और फॉर में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे यूज करना है जब भी इसके आगे जो वर्ड हो लाइक ऐसे वर्ड्स हो जो, जो प्लूरल हो डेज हो फोर, फोर फोर्स फोर्स नहीं होगा ना ये डेज होगा ईयर्स होगा तो ये जो प्लूरल वर्ड है उनके साथ हम फोर यूज करेंगे लेकिन इंडिपेंडेंस नहीं बहुत सारे इंडिपेंडेंस नहीं होते ना इंडिपेंडेंस एक प्लूरल वर्ड नहीं है तो उसके लिए से हम सिंगुलर वर्ड यूज सिंगुलर सिंगुलर के सेंस में हम सिंस यूज करेंगे जैसे नाइन्टी नाइन्टी तो नाइन्टी नाइन्टी प्लूरल नहीं है एक ईयर है पर्टिकुलर तो उसके साथ हम सेंस यूज करेंगे जब भी हम प्लूरल वर्ड यूज़ करेंगे डेज एंड ईयर तो उसके साथ हम फोर यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट द प्लेयर्स डैश डिसअपॉइंटेड विद देयर पुअर परफॉर्मेंस सो प्लेयर प्लेयर्स जो है वो प्लूरल नाउन है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी दैट इज़ प्लूरल वर्ब सो वर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन वेन आई लिव्ड इन कानपुर आई डैश फॉर मूवी वंस इन अ वीक सो ये हैबिचुअल है वो हैबिट शो कर रहा है सो यूज टू गो वेन आई लिव्ड इन कानपुर आई यूज टू गो फॉर मूवीज वंस इन अ वीक क्वेश्चन नंबर सिक्सटी चेरिस एंड आई प्ले टेनिस टुगेदर रेगुलरली बट डैश ऑफ अस कैन प्ले वेरी वेल बट यहाँ पर बट मतलब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस यूज होगा सो चेरिस एंड आई प्लेड टेनिस टुगेदर रेगुलरली रेगुलरली खेलते हैं खेलते हैं बट नाइदर ऑफ अस कैन प्ले वेरी वेल बट दोनों में से ही हम दोनों में से ही कोई भी अच्छा नहीं खेल पाता नाउ करेक्ट स्पेलिंग यू हैव टू चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिंग फोर ऑप्शंस सो द करेक्ट आंसर सॉरी फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन यू हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑब्स्टिकल क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन ऑब्स्टिकल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी ऑब्स्टिकल, ओके ऑब्स्टिकल मतलब हिंड्रेंस बाधा ऑब्स्टिकल एस टी ए सी एल ई क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू ओकेजन ना कुछ की पॉइंट्स है जो आपको स्पेलिंग्स में याद रखनी हैं। सो so, ओकेजन में डबल सी आएगा सिर्फ डबल एस नहीं आएगा तो ये आपको याद रखना है सो तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे ओकेजन में कभी भी डबल एस नहीं यूज होगा पहली बात तो तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ओकेजन एंड डबल सी के बाद ए का भी यूज़ होगा तो ये की पॉइंट है इस स्पेलिंग के लिए सो so, स्पेलिंग जो है वो ओ सी सी ए एस आई ओ एन ओकेजन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस तो बहुत सिंपल स्पेलिंग है डे टू डे लाइफ में हम यूज भी करते हैं वर्ड सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी ई एक्सपीआई सॉरी ई पी ई आर आई ई एन सी ई एक्सपीरियंस क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर राइटवर्स की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या होगी सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी अस आर आई जी एच टी पहले तो इतनी आपको पता होनी चाहिए राइट देन ईस ई ओ यूएस राइट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव रिकमेंड रिकमेंड की करेक्ट स्पेलिंग क्या ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओ और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है डबल एम यूज होगा रिकमेंड में ठीक है आरईसीओ एमएमडी रिकमेंड नाउ चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिव इन ईडियम एंड फ्रेजेज यू हैव टू फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिव इन ईडियम एंड फ्रेजेज सो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स टू टेक द बुल बाय द हॉर्स ना करेक्ट मीनिंग फॉर दिस इज टू हैंडल डिफिकल्टीज या टू लीड इन डिफिकल्टीज सो दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं कभी कभार लीड भी देते हैं ऑप्शन में सो टू लीड द डिफिकल्टी और टू हैंडल द डिफिकल्टीज दैट इज टू टेक द बुल बाय द हॉन्स सेवन हैंडल विद किड ग्लव्स ये थोड़ा डिफरेंट है हैंडल विद किड ग्लव्स इसका क्या मतलब है सो किड ग्लव्स का मतलब किड बहुत ज्यादा यू नो नाजुक होते हैं तो इसमें आप कैसे लर्न कर सकते हो दैट इज ऑप्शन डी टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर किसी को ट्रीट करना किसी को हैंडल करना केयर के साथ सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट टू ब्लेज अ ट्रेन ट्रेल सॉरी टू ब्रेज टू बेज अ ट्रेल सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू इनिशिएट समू इनिशियट कुछ नया स्टार्ट करना क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन ऑफ द फर्स्ट वॉटर ऑफ द फर्स्ट वॉटर दिस इज समहा डिफिकल्ट एंड यू नो हट की जो अक्सर एम एन एस एग्जाम में, में पूछे जाते हैं सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द फर्स्ट वाटर इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी लास्ट इज ईडियम एन फ्रिज से फॉर गुड नाउ ये बहुत बार यूज होता है फॉर गुड फॉर एवर इसका करेक्ट आंसर है फॉर एवर हमेशा के लिए है ना लाइक मिस्टर मिस्टर शर्मा गोन फॉर दैली फॉर अ गुड मतलब हमेशा के लिए Now, choose the correct proposition and fill in the blanks. Preposition, say 5 questions. Question number 71, he did not qualify dash the job. So, he did not qualify for the job. So, option A is the correct answer, job ke liye, hai na? job ke liye, for the job. Question number 72, everyone in this world is accountable to God dash his action. So, yaha par kya ga, for his action. Option B is the correct answer. एवरी वन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड फॉर इज एक्शन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री द कलर ऑफ द वॉल इन माई रूम हैज़ फेडेड डैश नाउ फेडेड। इसके जो करेक्ट इडेमेटिक एक्सप्रेशन है वो हम क्या यूज करेंगे इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन सी फेडेड अवे फेडेड अवे का मतलब कंबाइंड फॉर्म में मतलब होता है डिसअपियर होना गायब होना नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर माई कज़न हैज़ इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी डैश फार्मिंग सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑन फार्मिंग माई कजन हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन फार्मिंग मतलब है ना जैसे बोलते हैं ना कि फार्मिंग पर बहुत सारा पैसा लगा दिया तो फार्मिंग पर बट हम कभी भी प्रपोजिशन को हिंदी से याद नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव इट इज डेंजरस टू एंटर द एनिमीज कैंप सो इट इज डेंजरस टू एंटर इनटू, एंटर अंदर होना तो एंटर इनटू द एनिमीज कैंप, बट सेवेंटी फाइव इज डाउटफुल बिकॉज एंटर का मतलब भी इनटू होता है अंदर आना तो यू हैव टू कमेंट मी दिस ऑल्सो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स यू हैव टू चूज द करेक्ट आर्टिकल डैश थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर ना ये एक फ्रेज है तो आपको एज इट इज याद करना है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इसमें कोई भी हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर सिंपल क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन डैश राम ऑफ रामायणा इज द सिंबल ऑफ मॉरेलीटी सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी बिकॉज यहाँ पर इंडिकेट डेफिनेट आर्टिकल है द राम यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई राम ऐस को यहाँ पर द राम हम उस राम की बात कर रहे हैं जो रामायण के राम है सो द राम ऑफ रामायण इज द सिंबल ऑफ मॉरेलीटी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट बाय द डैश यूनाइटेड स्ट्रगल वी मे अचीव सक्सेस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट दट इज सी सी दट इज सी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बाय द यूनाइटेड स्ट्रगल वी मे अचीव सक्सेस क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन सॉ आई सॉ स्नेक डैस स्नेक वॉज ब्लैक सो मैंने एक स्नेक देखा आई सॉ अनेक बट यहां पर अब जो डेफिनेट आर्टिकल जो लगेगा वो है द क्योंकि उसका जो कलर है जो मैंने स्नेक देखा उसका कलर ब्लैक था सो आई सॉ अ स्नेक द स्नेक वॉज ब्लैक सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी नेक्स्ट क्वेश्चन डेज स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए अ स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम नाउ चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग यू हैव टू फाइंड द करेक्ट एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट कॉम्प्रहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव का जो करेक्ट मीनिंग है दैट इज कनेक्टिव क्योंकि जब आपका कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आता है वो पूरा कनेक्टेड होता है एक दूसरे से है ना यू हैव टू फाइंड द आंसर इन दैट फ्रॉम दैट कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो होता है उससे ही रिलेटेड है सो so यहां पर जो करेक्ट मीनिंग है इसका जो अपोजिट है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड है ना रेस्ट्रिक्टेड है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एटी टू कॉन्सपीशियस सो so, यहाँ पर ऑलरेडी हाईलाइटेड है ऑब्सक्योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑब्सक्योर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एटी थ्री बिनीत बिनीत का मतलब होता है कोई अंडर में इससे अटैच ना हो मतलब अंदर हो यहां हो मतलब इस इसके अंदर जो चीज है वो उससे अटैच नहीं है बनीत है सो so, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबव अपोजिट जो हो जाएगा अबव मतलब ये जो अबव है ये भी इससे अटैच नहीं है सो so, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिविलाइज सिविलाइज़ मतलब सभ्य है ना सिविलाइज पर्सन सो इसका अपोजिट हो जाएगा अगली फाइ नेक्स्ट इज एटी फाइव डिसोवेल जो डिसोवोवल करके जो शब्द है इसका जो अपोजिट दैट इज अप्रूवल सो सी इज द करेक्ट आंसर अप्रूव करना परमिशन देना है किसी को अप्रूव करना नवरियर रीअरेंज द जम्बल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस ये कुछ जम्बल्ड पार्ट्स है इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है सो so, पहला है अ वाइटल शिपिंग लेन फॉर बोथ कार्गो एंड द द रेड सी इज वर्ल्ड्स एनर्जी सप्लाइज सो व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस फॉर दिस Now, correct answer for this question is option B. Now, first I got R that is the Red Sea is. The Red Sea is a vital shipping lane for both cargo and the world's energy supplies. Okay. Next is question number 87. Private companies are exploiting groundwater resources in India due to outdated law. तो ये पढ़, पहले आपको पूरा पढ़ना है ताकि कभी कभार ऐसा होता है कि जैसा जिस जो जिस वे में हम पढ़ रहे हैं जिस जंबल सेंटेंस वो बोल रखा है उसी का सही आंसर होता है जैसे इसमें है जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो एक्सप्लॉइड कर रही है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को इंडिया के अंदर ड्यू टू तो आउटडेटेड लॉज तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एज सच पी क्यू आर एस सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एटी एट टू इम्प्रूव द राइटिंग ऑल्सो हेल्प्ड वोकेबलरी वेदर इट वॉज वर्नाकुलर और इंग्लिश सो वेदर इट वॉज के बाद जस्ट एस आएगा है ना क्योंकि यहाँ पर ये मैच कर रहा है वोकेबलरी वेदर इट वॉज वर्नाकुलर और इंग्लिश सो यहाँ पर आर एस तो लास्ट में आएगा ही आएगा साथ में आएगा सो यहाँ पर या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन बी होगा सो टू इम्प्रूव द राइटिंग ऑल्सो हेल्प्ड सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहले क्यों आएगा राइटिंग ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द वोकेबलरी वेदर इट वॉज वर्नाकुलर और इंग्लिश सो so, यहां पर Q आएगा और फिर P आएगा सॉरी Q एंड देन P यस राइटिंग ऑल्सो क्यू पी आर एस सो क्यू पी आर एस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर पूरा जो सेंटेंस है दैट इज लाइक दिस राइटिंग ऑल्सो हेल्प्ड टू इम्प्रूव द वर्नाकुलर वेदर इट वॉज सॉरी वेदर इट वोकैबलरी वेदर इट वॉज वर्नाकुलर और इंग्लिश नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एटी नाइन और कार रेसिंग टेस्ट एंड अ कार्स पावर ऑटोमोबाइल्स रेसिंग बोथ ड्राइवर्स स्किल ना रेसिंग रेसिंग एक साथ आएगा ऑटोमोबाइल रेसिंग या फिर कार रेसिंग टेस्ट हो इसमें जो सेंटेंस है वो ये बोलना चाहता है ऑटोमोबाइल रेसिंग हो या फिर कार रेसिंग टेस्ट हो बोथ अ ड्राइवर्स आ बोथ क्या है ड्राइवर्स स्किल्स और कार के पावर पर डिपेंड करती है यहां पर आएगा डिपेंड्स बोट डिपेंड्स ड्राइवर स्किल्स एंड अ कार पावर सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आर से स्टार्ट होगा या तो ऑप्शन सी होगा या फिर बी होगा एटी नाइन का सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी दैट इज आर फर्स्ट आएगा पहले ऑटोमोबाइल रेसिंग और कार रेसिंग टेस्ट बोथ अ ड्राइवर्स स्किल बोथ डिपेंड्स ऑन अ ड्राइवर स्किल एंड अ कार्स पावर ना क्वेश्चन नंबर नाइंटी इट इज कॉल्ड द एटमोसफेयर ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ आर सराउंडेड बाय एयर लिविंग बींग्स ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट द एयर ऑल द टाइम द प्रोसेस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन ना दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन ये लास्ट में है मतलब अभी हम अगर देखें तो इस प्रोसेस कॉल रेस्पिरेशन सो रेस्पिरेशन किस प्रोसेस को बोलते हैं आर वाले को जो आर सेंटेंस है लिविंग बींग्स ब्रीथ इन एंड आउट द एयर ऑल द टाइम दिस प्रोसेस कॉल रेस्पिरेशन एंड क्यू इज़ द ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ आर सराउंडेड बाय एयर इट इज कॉल्ड एटमोसफियर इसको बोलते हैं एटमोसफियर सो पहले क्यू आएगा देन पी आएगा तो क्यू पी आर एस है ना क्यू पी आर एस ये दोनों सेम ही हो गए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर क्यू पी आर एस ओके सो इसके लिए ऑप्शन क्यू पी एस आर सॉरी नहीं क्यू दैट इज फर्स्ट वन ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ आर सराउंडेड बाय एयर इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर देन आर यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओके नाउ चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड सिनोनियम्स आपको फाइंड आउट करनी है पहला है वाइब्रेंट वाइब्रेंट का जो मतलब है दैट इज स्पार्कलिंग और एंथोजियास्ट सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बबली बबली का भी मतलब है स्पार्किंग एंथोजियास्ट स्प्रिटेड फुल ऑफ एनर्जी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन का मतलब प्रोहिबिट करना ठीक है बंदिशें लगाना प्रोहिबिट करना सो so, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सक्लूशन एक्सक्लूशन का भी मतलब होता है एक्सक्लूड करना क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री ओवर व्लैमिंग ओवर व्लैमिंग बहुत बार वर्ड यूज हुआ है इसका करेक्ट आंसर है ऑसम अमेजिंग क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर डिस्टेस्ट नाउ डिस्टेस्ट का मतलब टेस्टलेस नहीं होता डिस्टेस्ट का मतलब होता है लोथिंग लोथिंग यहां पर डिस्टेस्ट फूड से नहीं है डिस्टेस्ट का मतलब होता है अबोर या फिर हेट करना अबोर या फिर हेट यहां पर इस, इसका मतलब है हेट या फिर अबोर लोदिंग नाइंटी फाइव इज फॉर बेरेसेंस फॉर बेरस सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टॉलरेट इसका मतलब होता है टॉलरेट करना हैव पेशेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम फॉर द गिविन सेंटेंस मतलब आपको वन वर्ड फाइंड आउट करना है फॉर द गिविन सेंटेंस क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स इज इंपॉर्टेंट अ कंटेस्ट बिटवीन टू पीपल टू सेटल अ पॉइंट ऑफ ऑनर जब दो पर्सन में फाइट होती है उस वर्ड को क्या बोलते हैं जब दो पर्सन में फाइट होती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पर वर्बली या फिर वेपन से सो so इसको बोलते हैं हम ड्यूल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ड्यूल ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज सो उसे हम बोलते हैं मेड्यो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर मेड्यो जहाँ पर ग्रेजिंग करते हैं कैटल्स वगैरह ग्रेजिंग एनिमल्स क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट मतलब बहरूपिया जो वो है वो नहीं दिखा रहे ठीक है अपने को वन हु प्रिटेंड्स टू वॉट ही इज नॉट दिखावा करना कुछ और दिखाना दैट इज हिपोक्राइट क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन प्लेस वेयर नंस लिव एंड वर्क इज कॉल्ड जहां पर नंस रहती है और वर्क करती है उसको बोलते हैं कॉन्वेंट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉर्मिटरी क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर ना किलिंग ऑफ वंस ब्रदर इज कॉल्ड फ्रेटरी साइड फ्रेट्रीसाइड किलिंग ऑफ फादर इज पेट्रीसाइड बिकॉज आप ऐसे लान कर सकते हो हम बोलते हैं पेट्रियारकल सोसाइटी है ना मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो मेल कौन होगा फादर सो पेट्रियारकल सोसाइटी से याद कर सकते हो एंड पेरीसाइड वन इज़ वर्ड पेरीसाइड पेरीसाइड इज द किलिंग ऑफ पेरेंट्स बोथ मदर एंड फादर सो पेरीसाइड इज़ किलिंग ऑफ पेरेंट्स पेट्रीसाइड किलिंग ऑफ फादर फेट्रीसाइड फ्रेटरीसाइड इज किलिंग ऑफ ब्रदर जीनोसाइड किलिंग ऑफ ह्यूमन ंग एम एन एस टू थाउजेंड नाइनटीन में स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इन साइड द्लावर इज कॉल्ड आर कॉल्ड सो ये आपने देखा होगा ओवरी में ऐसे स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें

द इंडेंजर्ड स्पीसीज आर लिस्टेड इन वॉट कलर डाटा बुक जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उन्हें हम कौन सी डाटा किस कलर की डाटा बुक में हम उनका नाम मैंशन करते हैं सो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं क्योंकि खतरे की कगार पर है तो उनको हम रेड डाटा बुक में रखते हैं सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन जीरो फोर विच ऑफ द फोलोविंग इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर वन जीरो फाइव विच ऑफ द फॉलोविंग इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ ये मैंने शायद किसी मॉक टेस्ट में प्रोवाइड किया है ये दोनों क्वेश्चन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रोटोप्लाज्मो नोन इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्वेश्चन नंबर वन जीरो सिक्स लंग्स आर इंक्लोज बाय विच अमंग द फॉलोविंग मैमब्रेन एनसीआरटी का क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्लूरल प्लूरल मैमब्रीन से जो लंग्स है वो कवर्ड रहते हैं बाहर से क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन वट विल बी द साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाई प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस सो so, यहाँ पर जो डिमनिस्ड इमेज है वो तभी बनती है जब पैरल बहुत दूर से इन्फाइट से जब रेज आती है तब इमेज छोटी बनती है अदरवाइज सारे केसेज में कहीं भी इमेज रखी हो बिटवीन दैट इज द फोकस और बिटवीन और और बियॉन्ड द इन्फिनिटी तो यहाँ पर जो इमेज है वो हमेशा इलाज बनेगी सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर पोल एंड फोकस क्योंकि पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है लाइक दिस इज द फोकस एंड सॉरी दिस इज द पोल एंड दिस इज द फोकस तो यहाँ पर रखिए इमेज तो बहुत पास है तो इमेज कैसी बनेगी इन लास्ट बनेगी और इमेज कहाँ बनेगी यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसमें जो दूसरे क्वेश्चन हैं वो जो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं वो आते हैं वैसे ऑप्टिक्स जो है वो एम के लिए बहुत फेवरेट है क्वेश्चन नंबर वन जीरो एट हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबाइलॉजी सो फादर ऑफ बोलते हैं करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लिविन हु जिन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की है सो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लिविन हुक नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर वन जीरो नाइन द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी सक्सीडिंग इच अदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सक्सेशन रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज जो कि सक्सीड करती है ड्यूरिंग द सक्सेशन बिफोर क्लाइमेक्स जब क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं आती उससे पहले जो कम्युनिटीज बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं सीरी सॉप्शन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड टेन इक्व कैबल्स इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स दिस इज वेरी कॉमन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आपको सिर्फ इक्वस से ही पता होना चाहिए जो इक्वस नाम है वो हॉर्स से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड इलेवन एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाई विच एल्फाबिट सो एटोमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड एन एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाई ए एंड दिस इज वेरी सिंपल एटॉमिक नंबर है तो एन यहां पर ये यह जो जेड है वो एन जैसा अगर इसको अब उल्टा करेंगे तो जेड बन जाएगा तो अटोमिक नंबर किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एन एटोमिक मास ए से क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व विच माइक्रो न्यूट्रेंट इज सप्लाइड बाय द सॉइल टू प्लांट्स ना माइक्रो न्यूट्रेंट्स और माइक्रो न्यूट्रेंट्स ये आपको याद करने हैं सबसे बड़ी बात तो यही है तो जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं इनमें से कौन सा है पहली बात तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज जिंक जेड एन जेड एन इज़ अ माइक्रो न्यूट्रेंट न मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जितनी भी माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं है ना उनका जो अल्फाबेट जो फार्मूला है दैट इज डबल डबल लेटर्ड या फिर डबल वर्ड का है है ना जैसे जैसे जेड एन हो जाएगा और जितने भी जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं उनका जो नाम है दैट इज़ सिंपल अल्फाबेट सिम्पल वर्ड द लाइक सिंगल वर्ड लाइक फॉस्फरस देन पोटाशियम नाइट्रोजन है ना इसमें जो एक्सेप्शन है वो कैल्शियम को छोड़ के कैल्शियम मैग्नीशियम एंड वन मोर आई डी रिमेंबर राइट नाउ बट इसमें जो कैल्शियम है मैग्नीशियम है वो एक्सेप्शन है और जितने भी माइक्रो हैं उनका जो वर्ड्स है वो डबल से ही है मोस्टली और इसमें भी एक्सेप्शन है लाइक एफ ई सॉरी नॉट एफ ई एफ ई भी एक माइक्रो न्यूट्रेंट है जिसका डबल वर्ड है माइक्रो न्यूट्रेंट के जितने भी अल्फाबेट हैं सिम्बल्स हैं वो डबल में है और जो मैक्रो न्यूट्रेंट्स हैं वो सिंगल में एक्सेप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम खैरिए आप वो वाली वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा जो मैंने आपको मिनरल न्यूट्रीशन पर प्रोवाइड की है साइंस की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना आपको मिल जाएगी क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड थर्टीन विच ऑफ द इज मोस्ट रिएक्टिव इन नेचर सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पोटेशियम पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर वन जीरो फोर्टीन सॉरी वन हंड्रेड एंड फोर्टीन अ हेल्थी इंडिविजुअल हैज़ ट्वेल्व टू सिक्सटीन ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड नाउ आई हैव टू मूव फास्ट बिकॉज बैटरी डेनेज का इश्यू हो जाएगा फिर एंड स्टोरेज भी कंप्लीट होने वाली है इसमें क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी थेलेकॉड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट क्योंकि यहां पर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है तो वहां पर लाइट रिएक्शन होगी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वॉट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ब्लीचिंग पाउडर Question number 117. The storage form of glucose in plant is? Correct answer is starch. And in animals, that is glycogen. Question number 18. The property which is seen in the light wave but not in sound waves is polarization. Okay. Polarization is a property seen in light wave but not in sound waves. क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड रूट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ये साइंस वाली वीडियो में प्रोवाइड किया इंपॉर्टेंट है लेटरल रूट्स आर ऑरिजिनेट फ्रॉम द पेरिसाइकल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सोप नेक्स्ट विच स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाइट लाइट इनमें से कौन सा स्पेक्ट्रम है जो व्हाइट लाइट से प्रोड्यूस्ड होगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सॉरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इमिशन में यहाँ पर जो इमिशन स्पेक्ट्रम है वो तभी होगा जब एटम्स जो है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जब गिरते हैं या फिर लोअर एनर्जी से एनर्जी लेकर हायर एनर्जी को जाते हैं तो जो इमिट होती है लाइटों से दैट दैट इज नोन एज द इमिशन स्पेक्ट्रम बट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस वाइट लाइट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू एट विच टेम्परेचर वाटर कन्वर्ट्स टू वाटर वेपर सो करेक्ट आंसर इज एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस या फिर टू सेवेंटी थ्री बिकॉज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में हम टू सेवेंटी थ्री एड कर देते हैं टू कन्वर्ट इन टू कैलविन क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री विच इज़ द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मॉल इंटस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गेन ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम नेक्स्ट इज डिस्क जो शेप का क्लोरोप्लास्ट है वो किसमें फाइंड होता है डिस्कॉइड शेप क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कारा या फिर चारा जैसे बोलते हैं कारा वैसे बोलते हैं इडोमोनस में कब शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है स्पायरोगेर में रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फाइव डेज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मोबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट Question number 126 Science regarding principles of classification. Now, science regarding the principle of classification is termed under this taxonomy. Option D is the correct answer. 127 Gymnosperms are also called softwood spermatophytes because they lack what? Correct answer for this question is xylem fibers. Option D is the correct answer. Gymnosperms are also known as. सॉफ्ट वुड इस परमेटोफाइड्स बिकॉज दे लेक फाइबर्स वन ट्वेंटी एट विच कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू रस्ट आयरन सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज वाटर के प्रेजेंस में होगा सो ये भी गलत हो जाएगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बी नहीं होगा प्रेजेंस ऑफ सी ओ टू दिस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर Question number 129 in angiosperms the functional megaspore develops into Correct answer for this question is option A that is embryo which is also known as female gametophytes 130 which of the following is made up of white collagen fibers correct answer for this question is tendons option A is the correct answer which connects bone to ligament bone to muscle sorry a ligament is bone to bone क्वेश्चन नंबर वन थर्टी वन ब्लू बेबी सिंड्रोम इज डिसीज दैट इज ऑप्शन ए मिथेनोग्लो मिथेनोमो मिथेमोग्लोबीमाइन सो ब्लू बेबी सिंड्रोम इज अ डिस ऑल्सो नोन एज दिस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर वन थर्टी टू डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग रिकग्नाइज द डिफरेंस इन सेटेलाइट डी एन ए सो सेटेलाइट डी एन ए में जब डिफरेंस होता है तो हम डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग उसमें यूज करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मेटल इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि मेटल नहीं है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी दैट इज क्लोरिन क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फोर अ स्मॉल पीस अ स्मॉल पीस अत्यन स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम बर्न विद अ ब्रिलियंट डैश लाइट सो ये व्हाइट लाइट वो जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो वाइट लाइट निकलती है विच इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फाइव पेल्विस इज फॉर्म्ड ऑफ करेक्ट आंसर इज पेल्विस किससे बनती है पेल्विस की जो बोन है दैट इज सार्कम इन कॉक्स वन थर्टी सिक्स डैश इज कॉमनली कॉल्ड सी हॉर्स सो करेक्ट आंसर इज हिपो कैम्पस इज ऑल्सो नोन एज सी हॉर्स क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सेवन द वैल्यू ऑफ डे पार्ट इक्वेटर इज डैश डिग्री करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए दैट इज जीरो डिग्री सो so, जो वैल्यू ऑफ डिप है इक्वेटर पे कितना है जीरो डिग्री है एंड जो इक्वेटर से ऊपर जाएंगे पोल की तरफ तो कितनी है नाइन्टी डिग्री नेक्स्ट इज वन थर्टी एट ज़ाइलम एंड फ्लूंस आर डैश टिश्यूज़ सो ज़ाइलम एंड फ्लू बोथ आर बी दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ next is 139 sulfur is a constituent of which of the following amino acid correct answer is both b and c cysteine and methionine question number 140 loss of excretion of water on the form of what liquid droplets from the margin and the tips of the leaves is called that is gutation so option b is the correct answer this is called gutation next is 141 which of the following is an antipyretic correct answer for this question is aspirin is an antipyretic नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी टू वॉट इज द कॉज ऑफ द इको डैश ऑफ साउंड सो इको इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी थ्री डैश द ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन द ब्लीचिंग पाउडर ये एम एन एस टू थाउजेंड नाइनटीन में क्वेश्चन पूछा गया है इंपॉर्टेंट है सो ब्लीचिंग पाउडर में जो मेन कॉन्स्टिटुेंट है दैट इज क्लोरीन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी फोर Which of the following test is done to detect the color blindness in human So this is Ishiara's test so option A is the correct answer Next is snail are sea animals they belongs to which of the following phylum in animal kingdom Correct answer is mollusca Next which of the following is an example of dehydration of alcohol So alcohol ka dehydration hoga matlab that is elimination reaction so we have to remove the OH so this is the removal of water molecule from alcohol that is known as the elimination reaction. Next is one hundred and forty-seven, which gland of human body has regenerating property? Correct answer for this question is liver has the, this property of regeneration. Allergy is caused by the production in the body, so this is due to the histamines. And this question MNS two thousand nineteen pucha Last two question PVC is a polymer of vinyl chloride option b and last that is keystone species are important for ecosystem option a is the correct answer so guys very i have completed mock test jo 30 wo complete kar hai. if you have any doubt you can ask me in the telegram or instagram so that's all for today this is the free of cost mock test having 150 questions i hope you like this video thank you so much